इंडिया के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है, नए फ्लेवर और नए फ्लेवर के साथ। आज हम जाएंगे अपनी होस्ट के यहाँ, जो बनाएंगी दो बेहतरीन रेसिपीज। क्या कुछ होगा खास उसमें, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, पहुँच गए अपने होस्ट के यहाँ और अंदर चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। नमस्ते ममता जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, वेलकम। तो हम पहुंच गए रायपुर के सरोना के पार्थवी प्रोविंस में, जहां हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद ममता खंडेलवाल जी, और ये आज आपको बेहतरीन रेसिपीज बताने वाली हैं, जो आपकी किचन को खुश मिजाज कर देगी। तो ममता जी, क्या आज आपकी रसोई में बनने वाला है, क्या कुछ स्पेशल है जो आप मुझे सर्व करने वाली हैं? आज मैं आपको एक मीठा एक नमकीन बनाने वाली हूँ जी। स्पेशल तो ये है कि नवरात्रि आने वाली है, तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है और उससे संबंधित भी। यदि आपको व्रत में नहीं खाना है तो अदर डेज में भी आप उसको खा सकते हैं। उसमें मैं कुछ आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मिला सकते हैं, कुछ कुछ चेंज कर सकती हूँ, तो वो आपको किचन में ले जाते दिखाती हूँ। एक मीठा है और एक नमकीन है। मीठी रेसिपी का क्या नाम है और नमकीन रेसिपी का आपका क्या नाम है? मेरा नमकीन रेसिपी का है वेज कटलेट। अरे वाह, है ना। और मीठे में रखी हूँ मैं एप्पल खीर। क्या बात है, आप हम लोगों ने अभी तक चावल की खीर, मखाने की खीर, बहुत सारी खीर सुनी है, एप्पल की खीर मैं पहली बार सुनने जा रही हूँ, तो ये ज़रूर इंटरेस्टिंग होगा। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी होंगे और मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है कि आप क्या बनाने वाली हैं, क्या खिलाने वाली हैं। अब आपकी नमकीन रेसिपी की बात कर लेते हैं, इसमें क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल तो ये है कि जैसे हम वेज कटलेट हर जगह खाते हैं जी, इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट है, वो आपको किचन में ही देखने को मिलेगा। ऐसे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या ट्विस्ट आने वाला है। चलिए फिर, देर किस बात की है, मेरे तो पेट में अभी से चूहे कूद रहे हैं कि क्या कुछ स्पेशल बनने वाला है। चलिए ममता जी की किचन में चलते हैं और देख लेते हैं क्या वो आज हमें सर्व करने वाली है। चलिए, तो हम आ गए ममता जी की रसोई में और उन्होंने पहले से बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करके रखी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप जो कटलेट बनाने वाली हैं उसकी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें लगने वाले हैं? उसमें लगना है, जैसे मैंने बॉइल्ड आलू करके रखे हुए हैं पहले से जी, और मूंगफली रोस्टेड करके रखी हुई है, उसको क्रश भी कर लिया है जी, ये देखिएगा जी। और उसमें लगना है, जैसे मैं व्रत के हिसाब से तैयारी की हूँ, आप उसको व्रत ना हो तो भी बना सकते हैं, तो मैंने सेंधा नमक लिया है, काली मिर्ची ली है जी, ये हरी मिर्ची को क्रश करके रखा है जी, ये धनिया पाउडर है, और ये एक्चुअली उसको स्टफ करना है तो मैं उसके लिए नारियल का बुरादा भी रखी हूँ, और इसमें किशमिश रखी हूँ जी, और ये मैं चटनी भी उसके साथ खाने के लिए, बहुत उसका अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं उसमें चटनी पीस के रखी हूँ, उसकी तैयारी मैं पहले से तैयारी करके रखी हूँ। क्या कुछ स्पेशल है आपकी चटनी में? हाँ, इसमें स्पेशल जैसे है कि करी पत्ता डाली हूँ, धनिया पत्ता डाली हूँ, मूंगफली है, नारियल पाउडर है, और थोड़ा सा दही भी है, और थोड़ा सा नींबू भी। तो मतलब टेस्ट इसका खट्टा मीठा नमकीन सब कुछ होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पहली रेसिपी। तो ममता जी, कैसे आप इसकी शुरुआत करेंगी? सबसे पहले ये मैंने आलू बॉईल करके रखी हुई हूँ, तो मीडियम मकार के चार आलू ली हूँ जी, इसको बॉईल करके रखी हूँ, तो इसको थोड़ा मैश करेंगे जी। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको मैश करके, ये अच्छे से मैश कर लेना, ताकि इसको अपन जब डीप फ्राई करेंगे तो ये फटे वटे नहीं, है ना। आलू को इसमें अच्छे से मैश करें, और उसके बाद इसकी बाइंडअप के लिए हम बाइंडिंग के लिए ये हम नारियल, जो इसका मूंगफली का बुरादा बनाए ना रोस्टेड करके जो पीस के बनाए हैं, इसको चार टेबल स्पून जी मिलाएंगे। ठीक है, इसमें स्वाद अनुसार नमक जी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर जी, ये ग्रीन चिली जी, और ये कटा हुआ बारीक धनिया, यस, और इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो इसकी जगह आप यदि मूंगफली दाना नहीं मिलाना है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी मिला सकते हैं, मतलब जब आप नवरात्रि नहीं है या कोई भी फास्टिंग नहीं है तो आप इसमें नवरात्रि के अलावा ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे और वो क्रिस्पी भी हो जाता होगा, क्रिस्पी भी हो जाएगा, ब्रेड की कंसिस्टेंसी जो होती है वो अच्छे से मोल्ड भी कर देती है चीजों को, और क्रिस्पीनेस भी उससे अच्छी आ जाती है। तो ये पूरी बाइंडिंग आपने तैयार कर ली है, इसमें हमने आलू, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च और मूंगफली दाने को मिला दिया, और एक अच्छा सा बाइंड तैयार हो गया है जी।
अब इसके हम छोटे छोटे बाउल बनाएंगे जी, और इसके अंदर हम ये स्टफिंग के लिए थोड़ा सा बीच में गड्ढा करेंगे जी, और इसके अंदर ये हमने नारियल बुरादा रखा है, ये थोड़ा सा इसका अच्छा फ्लेवर आता है जब अपन खाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगता है, यम्मी। और इसमें और थोड़ा सा किशमिश, और इसको अच्छे से पैक करेंगे ऐसे गोल घुमा के जी, ऐसे गोल करके अच्छे से ऐसे स्लोली, हल्का सा अपन चाहे तो इसमें ऑयलिंग भी कर सकते हैं जी, जिससे वो हाथ में अच्छे से स्टिक नहीं करे और चिपके नहीं। हाँ जी, है ना, ऐसे करके हम सारे और हल्का सा उसको प्रेस कर देते हैं तो इस टाइप की इसका हो जाएगा। हाँ, ये शेप में आ जाएगा। तो चलिए ममता जी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ और एक मैं भी ट्राई करती हूँ आपके साथ किस तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बनाइए, मैं भी बनाती हूँ जी। देखिएगा, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। एक छोटा सा आलू लिया है, वाकई में मज़ेदार लग रहा है ये बना, मतलब अभी से इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि किशमिश की मिठास भी आएगी, नमक का भी टेस्ट है, काली मिर्च का तीखापन भी आएगा। हाँ जी। तो फ्लेवर एक बहुत अच्छा होने वाला है। तो अभी हमारे ये बनने के लिए तैयार हैं और बस एक दो और हम बनाते हैं और फिर हम क्या डीप फ्राई करेंगे। हाँ, नहीं अभी मैं कुटू का आटा रखा है जो आपको जी, बता, जी, दिखाया था। हाँ। इसको लेके अभी थोड़ा पेस्ट बनाऊंगी जी, फिर इसके अंदर डिप करके अपन ऑयल में, मतलब अभी आगे की प्रोसेस भी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग है। अभी इसकी आधी प्रोसेस हो गई है जहाँ पर ये एकदम गोल गोल छोटे छोटे रोल के तौर पर तैयार हो गए हैं। yes. इसके अंदर किशमिश भी है और आप चाहें तो मेरे ख्याल से ड्राई फ्रूट्स भी और ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप काजू भी डालेंगे तो उसमें वो भी अच्छा लगेगा, अच्छा फ्लेवर आता है सब कुछ। और मुझे ऐसा लगता है जब बिना व्रत के आप बना रहे हैं तो इसको एक्सपेरिमेंट करके इसमें और भी चीजें डाल के इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। ब्रेड के अलावा आप साबूदाना भी, व्रत भी चाहें तो साबूदाना भी और ऐड कर सकते हैं एंड सूजी भी थोड़ी सी मिला सकते हैं, क्रिस्पीनेस और ज्यादा। तो ये छोटे छोटे से जो कटलेट ममता जी ने बनाया है ये अभी आधे तैयार हुए हैं, आगे की प्रोसेस क्या है ममता जी बताइए, किसे आगे किस तरीके से पूरा किया अभी जाएगा। अभी मैं बताती हूँ इसको। अभी ये कुटू का आटा रखा हुआ है जी, इसका हम हल्का सा पेस्ट बनाएंगे। बनाइए। हाँ बिल्कुल, ये कुटू का आटा है, अपन इसमें 4 स्पून जी आटा लेंगे, 4 टेबल स्पून। हाँ, हम यहाँ पर कुटू का आटा ले रहे हैं। यस, 3 हो गया 3 एंड ये 4। इसमें हल्का सा साल्ट मिलाते हैं जी, है ना जी। क्या कुटू का आटा आसानी से अवेलेबल रहता है मार्केट में? हाँ, मतलब इसकी जगह हम सिंघाड़े का आटे को यूज कर सकते हैं। पर इसका ना एक्चुअली फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, सिंघाड़े में थोड़ा सा मिठास आता है जी, जिसमें हल्का सा जैसे लाइट तीखा कुछ अच्छा फ्लेवर अच्छा आता है, मतलब जिसमें अच्छा लगेगा कि हम इसमें कुटू का आटा ही यूज करें तो व्रत में आसानी से यूज किया जाए। यस यस, और इसमें ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा जी, और हरा धनिया भी जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना व्रत में बोर हो जाते हैं लोग कि क्या खाएं, वही साबूदाना की खिचड़ी और वही साबूदाना की खीर खा के लोग बोर हो जाते हैं। हाँ। तो 9 दिन में आप 1 दिन तो इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके व्रत को बहुत ही खास बना देंगे और आप व्रत भी रखेंगे और आपको एक अच्छी सी रेसिपी भी मिलेगी जी। और ये इसमें ये वाटर है, इसमें अपन धीरे धीरे इसको मिलाते जाएंगे जी, है ना, जितना आवश्यकता है अपने इच्छानुसार थोड़ा देखते जाएंगे, ज्यादा इसका पतला नहीं करना, ज्यादा गाढ़ा नहीं। तो हमें ये जो हम बना रहे हैं बैटर, हाँ जी, सिर्फ डीप करने के लिए बना रहे हैं, ना ज्यादा मोटा करना है और ना ही ज्यादा पतला करना है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हमें रखनी है, मतलब इतनी थिक भी नहीं कि इसमें, हालांकि इसको ज्यादा अच्छे से वो बाइंडअप इसको अच्छे से हो जाए इसका, है ना, इतना बढ़िया तरीके से एकदम स्मूथ, ज्यादा पतला करेंगे तो फिर हो रहा है। हाँ, लाइव में आपकी मदद करती हूँ, इसको थोड़ा सा स्मूथली बाइंड करती हूँ। तो देखिए मैं भी ममता जी की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी हमने थोड़ी सी ऐसी रखी है। तो ये देखिए, ये नेहा जी हम लाइट जला रहे हैं इसका, गैस का जी, ठीक है, और इसमें फिर अपन कढ़ाई रखते हैं जी, और फ्लेम एकदम फुल पे होने का। अच्छा, मतलब काफी तेज है तो इसमें, क्योंकि स्लो करेंगे तो उसमें अंदर वो फटने का चांस रहता है। अच्छा, है ना, ये ऑयल है जी, इसको इसमें अपन डालते हैं। हमें ऑयल इतना लेना है जिसमें आसानी से डीप फ्राई कर सके, हो जाए मतलब थोड़ा कढ़ाई में आए, ठीक है। ये देखिएगा, ऑयल डालना अपन है जी। उसके बाद अपन इसको ऑयल को अच्छा सा तेज गरम करेंगे, उसके बाद एक एक कटलेट करके अपन डालते जाएंगे धीरे धीरे जी, एक एक करके डालते हैं जी। देखिएगा, अच्छा तेज, देखिए बस
थोड़ा सा गरम अच्छे से हो उसके कारण बहुत अच्छा बनता है जी। और इतना ऑयल भी नहीं लेता, ऑयल फ्री टाइप का लगता है जैसे। अच्छा, मतलब हाँ। अगर हम जितना ज्यादा गरम गैस पे डालेंगे इसको धीरे से पलटेंगे है ना, तो अच्छा कुरकुरा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जब तक इसको अंदर डिप रहना चाहिए। तो बहुत ही खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है इसकी, अभी से जैसे ही वो तेल में गया और उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही है, क्योंकि फूटे हुए आटे का भी एक अपना फ्लेवर रहता है। जब भी आप व्रत में इसे खाते हैं या बिना व्रत के भी खाते हैं, कुटू के आटे से वैसे भी बहुत सारी रेसिपीज बन जाती है, इसकी पूरी वगैरह भी बहुत अच्छी बनती है फास्ट में। इसका फ्लेवर बेहद शानदार रहता है नए कटलेट के रूप में, तो मैं जब टेस्ट करूंगी तब बताऊंगी कैसा लगा। अपन थोड़ा गार्निश के लिए फ्रेंच फ्राई भी मैंने तैयार की हूँ, तो अपन इसको जब डेकोरेशन करेंगे तो थोड़ा बहुत सुंदर लगता है, साइड में रहते हैं और ये व्रत में भी चलता है और बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है ना। अपन इसको स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, किसी भी रूप में खा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, और इसको हल्का सा ब्राउन हो जाने पर अपन इसको बाहर निकालेंगे। अरे भाई, एकदम गर्मा गर्म क्रिस्पी से तल गए हैं, अब इन्हें हम बाहर निकालेंगे। ये ब्राउन कलर के हो चुके हैं, अपन एक टिश्यू पेपर लगाएंगे ताकि इसका ऑयल इसके साथ बाहर आ जाए, और धीरे धीरे करके एक एक करके इसको अपन निकालते हैं जी, है ना। ये देखिएगा, देखा आप ब्राउन कलर इसका? जी, बहुत सुंदर कलर आया है। स्मेल भी एक बहुत खूबसूरत सी आ रही है, मतलब इसमें आलू है जो थोड़े से ये वाला, मतलब आलू के फटने का डर रहता है थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा रिस्की है, इसको बाइंडिंग बहुत अच्छे से करिए। ये ऐसे बनके तैयार होता है। चलिए ममता जी, तो फिर इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। खूबसूरत तरीके से आप किस तरीके से डेकोरेट करती हैं और सर्व करती हैं जी। बिल्कुल, आइए। ये बड़े अपन ने जो बनाए हैं कटलेट जी, इसको ऐसे अपन लगाते हैं और सबके फिंगर्स जो है ना साइड में ऐसे लगाते जाते हैं जी, तो दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो है ही स्वादिष्ट, है ना जी। अरे वाह, क्रिस्पी क्रिस्पी से बड़े और क्रिस्पी क्रिस्पी से फिंगर चिप्स, ये तो बहुत ही जबरदस्त। इसको अपन थोड़ा सा गार्निश के लिए थोड़ा हरा धनिया ऐसे डालते हैं जी, है ना, दिखने में भी सुंदर लगता है और खाने में तो टेस्टी। किसी भी चीज में धनिया मस्ट होता है कि वो टेस्ट। और जो अपन ने चटनी बनाई थी पहले से मैं तैयार करके रखी हूँ वो ये है, है ना, इसकी अपन यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा दही भी मैंने लिया है कि अच्छा और अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए जी, जी। थोड़ा दही लिए, इसमें थोड़ा काली मिर्ची जी और थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं, है ना। ये देखिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं जी। ये देखिएगा, अब ये देखिएगा आपकी प्लेट बन के तैयार, लीजिए। अब मैं इसको टेस्ट करना चाहूंगी और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये कैसा बना हुआ है जी। ममता जी, लीजिए, मैं आपको एक एक पीस देती हूँ, खा के बताइएगा कि कैसा लगा ये चटनी के साथ, और दही भी इसके साथ टेस्ट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप खाइएगा। तो दिखने में तो ये बहुत यमी लग रहा है, आई एम श्योर ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा, तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ इसे। बिल्कुल, और इसे मैं चटनी के साथ खाऊंगी। बेहतरीन, गरम गरम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट है, अंदर से किशमिश की मिठास आ रही है, बाहर से एकदम क्रिस्पी है, आलू का टेस्ट, मूंगफली का टेस्ट, काली मिर्च का फ्लेवर, मतलब सब कुछ का कॉम्बिनेशन है ना वो बेहद शानदार तरीके से निकल कर सामने आया। खास करके चटनी ये बहुत ही शानदार लग रही है। ममता जी, मज़ा आ गया आपकी पहली रेसिपी के साथ जी। बिल्कुल, और ये बेहद शानदार है, आप लोग अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई करिए। फिलहाल यहाँ पर रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद एक और रेसिपी के साथ जो स्वीट डिश है चल लौटेंगे। वेलकम बैक, हम लोग इस समय मौजूद हैं ममता खंडेलपाल जी के यहाँ, जिन्होंने अभी हमें एक बेहतरीन सी डिश खिलाई। अब हम उनकी दूसरी डिश की बात कर लेते हैं जो स्वीट डिश है, क्या कुछ खास रहेगा इस डिश में, चलिए शुरू करते हैं। इसमें खास तो है कि अपन नवरात्रि स्पेशल चल ही रहा है जी, जी। तो एप्पल का खीर बनाना चाहते हैं। खीर तो आपने कई तरह की खाई जी, जी खीर खाइए, एप्पल की खीर खाना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना उसके लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। बिल्कुल जी, इसमें मैंने हाफ लीटर मिल्क लिया है, और इस ये है मिल्क पाउडर जी, ठीक है, शुगर जी, ठीक है, तीन मेन है, बाकी गार्निश के लिए हम ये लेंगे जी, क्या ना एप्पल
एप्पल आपने लिया है एक मीडियम आकार का एक एप्पल लेते हैं जी। और ये शुगर मिल्क पाउडर दूध जी। और ये गार्निश के लिए अपन ने लेंगे अनार के दाने, पिस्ता जी, और ये काजू काजू, और ये रोज पेटल लिए हैं मैंने। अरे वाह, ये बहुत सुंदर तैयारी थी, कलरफुल लग रही है, तो खाने में भी बड़ा मजा आता है जी। जब देखने में चीज अच्छी होती है तो खाने का अलग से इंटरेस्ट बढ़ जाता है जी। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं ममता जी द्वारा बनाए जाने वाली नई और इंटरेस्टिंग स्वीट डिश की। मिल्क लिया था जी, इसको एक बाउल में डालेंगे ठीक है जी। बाउल में डाला जी, फिर इसमें अपन ये जो मिल्क पाउडर आपको बताया था जी, इसको धीरे धीरे मैश करेंगे पूरा डाल करके। अच्छा, एक्चुअली मिल्क पाउडर हल्का होता है तो वो तैरने लगता है, उसको मिक्सिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, जब तक मिक्स ना हो जाए तो इसको अपन बॉईल नहीं कर सकते। प्लम्स बन जाते हैं बीच में, इसके छोटे छोटे से प्लम्स बन जाते हैं, उन प्लम्स को हटाने के लिए हमें अच्छे से मिक्स करना पड़ता है जी। और साथ में अपन शुगर भी इसको मिला सकते हैं। हाँ, तो दोनों चीजें साथ में मिक्स हो जाएंगी, मिक्स कर देते हैं। अरे वाह, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो क्या शुगर फ्री इसकी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं? शुगर फ्री क्या अपन इसको नहीं भी डालें, शुगर नहीं डालें तो गुड़ डाल सकते हैं। अच्छा, गुड़ की हाँ जी, बहुत अच्छी बनती है, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। पर एक चीज का ध्यान रखने की इसमें आवश्यकता है कि जब इसको बॉइल्ड हो जाए उसके बाद अपन गुड़ इसमें मैश करें, अदरवाइज दूध फटने के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बस शुगर में ये चीज का अपने को प्रॉब्लम नहीं आता है, पर शुगर वालों के लिए अपन शुगर फ्री यूज भी कर सकते हैं, नहीं तो गुड़ तो बेस्ट है ही, बेस्ट है गुड़ हेल्थ के हिसाब से भी, और वैसे भी वैसे भी शक्कर कम खानी चाहिए, हेल्थ के हिसाब से गुड़ ज्यादा सबसे अच्छा चीज है। देखिए ये मैश हो गया अपना जी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, इसको बॉइल करेंगे जी, है ना। बॉइल इतना करेंगे कि थोड़ा सा थिक गाढ़ा जैसा हो जाए जी, ठीक है। चलिए तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की। यस, ये हमने गैस जलाया और इसमें गरम जैसी कढ़ाई होती है तो तुरंत अपने दूध डाला ठीक है। आपने इसमें हमने मिल्क पाउडर और शक्कर को मिक्स किया है और अब इसे हम खूब सारा उबाल आने तक पकाएंगे। बिल्कुल, खीर की एक खासियत होती है, खीर को आप जितना देर तक पकाते हैं उसमें टेस्ट तभी आता है, चाहे आप कोई भी खीर बना लें, खीर में उबाल आना बहुत जरूरी होता है। और आप जितनी लंबी ड्यूरेशन तक खीर को पकाते हैं उसका स्वाद और उतना अच्छा बढ़ता ही जाता बढ़ता जाता है, जितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी एकदम से लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जब तक बढ़िया मिल्क पाउडर की खुशबू भी आ रही है, क्योंकि मिल्क पाउडर का एक अपना टेस्ट होता है, उसमें एक अपनी स्वीटनेस होती है। इसको करीब 15 से 20 मिनट आप बॉईल करिएगा ठीक है, इसे खूब उबाल आने तक हम बॉईल करेंगे। ये गाढ़ा होने लगा है, थोड़ा थोड़ा थिक आने लगा है ना, उबाल आने लगी है ठीक, ऐसे बस थोड़ा सा 5 मिनट और इसको करके फिर अपन इसको गैस को बंद करेंगे। देखिए नेहा, जो अपन खीर बनाने जा रहे थे उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा जी, क्योंकि 2 घंटा ठंडा होना फिर फ्रिज में रखना रहता है, क्योंकि ठंडी खीर एप्पल की बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखा है और ये देखिए इस टाइप से इतना इतना थिक होना चाहिए, ये काफी टेस्टी, मतलब रबड़ी जैसा फीलिंग आया था इसका। यस यस, काफी देर तक पकाने के बाद ये रबड़ी जैसा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इतना मैंने करा। अच्छा, थोड़ा ठंडा रहता है ना तो खाने में बड़ा मस्त लगता है। अब तो चलिए अब आगे की प्रोसेस चालू करते हैं, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। यस, कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं, रबड़ी की तरह एकदम तैयार हो गया है, मीठा है क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर भी डला हुआ है, दूध भी अच्छे से ओटा हुआ है। आप ये देखिए, ये मीडियम आकार का अपन ने एप्पल लिया है जी, इसको अपन छीलेंगे क्योंकि क्या है ना, इसका छिलका रहता है ना तो अपन मुंह में आता है ना, अच्छा अच्छा टेस्ट नहीं आता, खीर जैसे मजा आएगा। इसको अपन छीलेंगे, देखिएगा मैंने ये छीलना लिया है, ये अपन इसको छील रहे हैं। इसको छीलने के बाद अपन क्या करेंगे नेहा जी, इसको अपन कद्दूकस के जो किसनी होती है ना उससे मोटे मोटे इसके लच्छे जैसे निकालेंगे जी, जी, जी। तो लच्छे जो डलते हैं ना तो बड़ा देखने में भी अच्छा, खाने में भी मस्त जी। तो पतली से नहीं करना है, मोटे वाले है ना, मोटे वाले से करेंगे। ये देखिएगा इसके जो लच्छे निकलते हैं वो डलते हैं तब तो मजा। ये एप्पल अपन ने किसा है और देखिए ऐसे लच्छे जैसे इसमें आता है,
जो लच्छे वाला जो आएगा ना उसको खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। मतलब आपको खास बात ये ध्यान रखना है, ये जो आप किस रहे हैं इसे बहुत ज्यादा बारीक ना किसे ना बहुत ज्यादा मोटा किसे, जो मीडियम साइज होता है और जिसमें इस तरीके का मीडियम साइज का लच्छा बनता है उस साइज में आप इसको कद्दूकस कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से इसके 5 मिनट में तैयार हो जाता है। आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिएगा, मिलाइए, देखिएगा ये मिलाया, डाला अपन ने, अब इसको अच्छे से मैश करते हैं तो पूरा पता ही नहीं चलता कि ये एप्पल है। वाह, बहुत ही देखने में भी अच्छा, बढ़िया तरीके से। तो फिर आप देखेंगे, मिक्स करती हूँ एप्पल की खीर, मज़ा आ जाएगा, देख के सुन के ही मज़ा आ रहा है, तो खाने के बाद तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मुझे, और मैं भी इसे नवरात्रि में अपने घर पर ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ इस बार, क्योंकि एक अलग तरीके की रेसिपी है। ममता जी की खीर पूरी तरीके से तैयार है, हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। किस तरीके से गार्निशिंग करने के लिए हम देखिए रोज़ पेटल बिछा देते हैं थोड़े से टेबल में, प्लेट में, सॉरी, देखने में कितना सुंदर लगा। एक्चुअली व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन वैसे ही नेहा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है उस तरीके से आपने निकाली है, प्लेट भी बहुत सुंदर है, वाह बहुत सुंदर लगेगा। और उसके ऊपर जब हम प्लेट ऐसा प्लस हम इसके अनार के दाने इसके ऊपर जब डालते हैं तो आप देखिएगा रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, अरे देखने में भी सुंदर और खाने में तो नेहा जी क्या बोल सकते हैं हम। जी जी जी, बढ़िया होती हुई खीर है, खूब सारा उसमें उबाल आया है, काफी गाढ़ी है, रबड़ी की तरह एकदम थिक दिख रही है, और ड्राई फ्रूट्स मिठास है, पिस्ता आप डालिएगा, देखिए रेड ग्रीन व्हाइट जी, वो आप देखिएगा थोड़ा सा जो देखता है उसका मन तो बस तुरंत खाने के लिए हो जाता है। ये देखिएगा इसमें ये है, को भी अच्छे से सारी दूध मिला के फैला करके डालिएगा जी, और ये लीजिए आप, तैयार है आज की आपके लिए खीर, एप्पल खीर। मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ और आप लोग को बताने वाली हूँ कि ममता जी ने एप्पल की खीर कैसी बनाई है। जी, बेहद शानदार तरीके से लीजिए ये दिखाई दे रही है। थैंक यू ममता जी, मैं इसे बिल्कुल टेस्ट करूंगी और अपने दर्शकों को भी बताऊंगी ये कैसी है। टोटली यमी, चिल्ड है, ठंडी है, रबड़ी वाला फ्लेवर है, मिल्क पाउडर का भी इसमें टेस्ट आ रहा है, और फिर एप्पल है, अनार है, ड्राई फ्रूट्स है, तो जो सारे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं उससे साफ तौर पर नज़र आता है कि ये वाकई में शाही रेसिपी है, जिसको अंदाज भी खाने का आपका शाही होगा और आपको खाने के बाद भी शाही फील होगा। आज के लिए आना स्पेशल तड़का में इतना ही, हमने आज 2 बेहतरीन रेसिपी सीखी है, जहाँ पर हमने फलहारी कटलेट के साथ एप्पल की खीर सीखी है, दोनों ही रेसिपीज बेहद शानदार थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए होस्ट के साथ, नए रेसिपीज के साथ, कैमरामैन इकराम के साथ, मैं नेहा श्रीवास्तव, बाय बाय।